जीवन में धन, प्रगति और तरक्की की तलाश अगर आपको है और आपको धन संबंधी समस्याएं आ रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। वास्तु अनुरूप उत्तर दिशा का बहुत बड़ा महत्व है। उत्तर दिशा जो है कुबेर की दिशा है, कुबेर यानी धन के देवता। अगर वो दिशा में अगर कोई वास्तु दोष है तो हो सकता है कि इसका कारण आपकी जो प्रगति में रुकावट आ जाए, नौकरी में तरक्की में दिक्कत आए या फिर आपका व्यवसाय में प्रॉब्लम्स आए या पैसे की कमी की वजह से आप परेशान हो रहे हो। उत्तर दिशा में बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। उत्तर दिशा को ज़रूर चेक करना चाहिए क्योंकि उत्तर दिशा जो है कुबेर की दिशा है और वहाँ से जो है हवा का भी आगमन होता है और पानी की दिशा है ये। उत्तर दिशा अगर दक्षिण दिशा से नीची है तो अवसर आने में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी या हाथ में आया हुआ अवसर वापस चला जाएगा। उत्तर दिशा अवसरों की दिशा है। धन सीधा नहीं आता, परंतु अगर अवसर नहीं आएंगे धन कैसे आएगा। यानी कि आपने अगर कोई काम करने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन लिया हुआ है, पैसा लिया हुआ है या अपना खुद का पैसा लगाया है, उस वो अगर बढ़ नहीं रहा तो दिक्कतें आ सकती हैं। नौकरी में सफलता नहीं मिल रही तो ये भी दिक्कत आ सकती है। इंटरव्यू में सफलता नहीं मिल रही, काम चलता चलता रुक जाता है, बंद हो जाता है, ऐसी कोई भी समस्या है तो उत्तर दिशा को ज़रूर चेक करें। उत्तर दिशा में ध्यान देने योग्य क्या बातें हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि उत्तर दिशा जो है पानी की दिशा है और कुबेर की दिशा है, और अगर वहाँ पे पानी की जगह अगर अग्नि का स्थान है, यानी आपने मीटर लगा रखा है, जनरेटर रखा हुआ है या कोई इलेक्ट्रिक उपकरण रख रखे हैं और उसकी वजह से क्योंकि पानी और आग का आपस में वैर होता है तो वहाँ से, और ये देखें कहीं उत्तर की दिशा में आपने लाल रंग का पेंट तो नहीं करा रखा, कोई लाल ऑब्जेक्ट्स तो नहीं रख रखे, उसको आपने दूर करना है। और दूसरा सेकेंड बात आपने देखना है कि उत्तर की दिशा दक्षिण दिशा से नीची नहीं होनी चाहिए क्योंकि वास्तु के अनुरूप हमारा जो सबसे हैवी स्थान है वो साउथ वेस्ट या साउथ होना चाहिए। अगर उत्तर नीचा है, ऊंचा है उससे साउथ वेस्ट से, तो दिक्कत आ सकती है। इसको हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पर कोई बीम या खंबा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वहाँ पर अगर आपने कूड़ा रख दिया, जहाँ यानी कि पूजा का स्थान है, भगवान कुबेर का स्थान है, वहाँ पर कूड़ा रख दिया, वहाँ से गंदा पानी निकल रहा है या कोई नाला है तो भी रुकावट आ सकती है, या बहुत ऊंचे पेड़ हैं तो भी दिक्कतें आ सकती हैं, या उत्तर दिशा घट रही है, कट रही है या बढ़ी हुई है, या उसमें कोई कट है या उबड़ खाबड़ है या पानी का रुकावट हो रही है या पानी का रिसाव हो रहा है तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। उत्तर दिशा में आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपको धन की प्राप्ति हो। आपको वहाँ पर दर्पण यानी आईना, नॉर्थ दिशा में दर्पण की दिशा है, वहाँ पे एक आप आईना लगाएं जिससे कि आपको उन्नति के रास्ते खुलेंगे, प्रमोशन, नौकरी में जो भी चीज़ें रुकी हुई हैं वे आ सकती हैं। वहाँ से पीले रंग के ऑब्जेक्ट्स भी हटाएं और लाल रंग के भी, हल्का नीला पेंट वहाँ पर आप करा दें। भगवान कुबेर की दिशा है तो कुबेर जी की आप मूर्ति वहाँ पर रख सकते हैं, पर ध्यान रखें कि कुबेर की मूर्ति को आपने पूजा नहीं करनी है, वो एक आप एक जो है मूर्ति के रूप में रखना है। वहाँ पे मनी प्लांट लगा सकते हैं, मनी प्लांट लगाने से भी धन में वृद्धि हो सकती है। नई नौकरियाँ और व्यवसाय की उन्नति के लिए आपको उत्तर दिशा का जो है 5 नंबर का द्वार है उसको आपने खोला रखना है, यानी वहाँ से आपको हवा या वेंटिलेशन आए, या आप घर बना रहे हैं और नॉर्थ डायरेक्शन में आप 4 या 5 नंबर की दिशा में अगर अपना घर का दरवाजा करते हैं तो भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। उत्तर दिशा में हमेशा कच्ची और खाली जमीन छोड़नी चाहिए क्योंकि धन की देवी का लक्ष्मी का भी आगमन होता है। कुबेर जी प्रसन्न होकर मेहरबान होते हैं। अगर आप घर में तिजोरी रखते हैं तो उसको भी आप उत्तर दिशा में रखें तो लाभकारी रहेगा। सो दोस्तों, अगर वास्तु से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।